पश्चिम बंगाल में 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और अभी 3 चरण के लिए वोटिंग होना बाकी है। इसी बीच कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि क्या बंगाल में बाकी चरणों के चुनावों को एक साथ नहीं कराया जा सकता क्या। हालांकि पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की ओर से नियुक्त चुनाव पर्यवेक्षकों ने इशारा किया है कि अंतिम 2 चरणों के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। इस बीच एक सीनियर चुनाव अधिकारी ने कहा कि चुनाव पर्यवेक्षकों का कहना है कि अगर उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा बल दिए जाएं तो आखिर के 2 चुनावों को एक साथ कराया जा सकता है। आपको बता दें कि बंगाल में 22 अप्रैल को 6ठे चरण का मतदान है, 26 को 7वें और 29 को 8वें चरण का मतदान है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी चुनाव आयोग से राज्य में बाकी बचे चुनावों को एक साथ कराने की अपील की है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए A1 संवाददाता पवन शर्मा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पवन, विस्तार से बताएं, जो बचे हुए चुनाव चरण हैं, क्या एक साथ मतदान करवाया जा सकता है? जी भारती, जैसे कि आप हमें खबर मिली है, चुनाव आयोग के जो पर्यवेक्षक है जी, उन्होंने भी इशारे में बताया है कि अंतिम 2 चरणों के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ये अपील की है कि अंतिम चरणों के चुनाव जो है वो एक साथ में करा दिए जाए जी। बंगाल में 6ठे चरण का मतदान कल है और तैयारियां जोर शोर से चल रही है। पवन, इसके अलावा क्या कुछ अपडेट, वहां पर क्या कुछ चल रहा है और जो बचा हुआ प्रचार है उसके ऊपर क्या अपडेट है आपका? जी, अभी बंगाल में मोदी 4 रैली करेंगे और आभासी तरीके पर जोर रहेगा और जो भी लोग रैली में आएंगे उनको सैनिटाइज करने की बड़ी व्यवस्था की हुई है पवन। लेकिन मात्र सैनिटाइजेशन से संक्रमण को तो नहीं रोका जा सकता है? जी जी बिल्कुल, लेकिन अभी चुनाव का माहौल चल रहा है और हर पार्टी अपने पुरजोर में लगी हुई है कि किसी भी तरह से कोरोना प्रोटोकॉल को मानते हुए इसको जारी रखा जाए। पवन, लेकिन कहीं ना कहीं अब जनता को भी ये समझना होगा कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि जान का खतरा तो उन पर मंडरा रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल, बाजार में वैक्सीन नहीं है, बाजार में भीड़ हो रही है हर जगह, चारों तरफ से लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये माहौल जो है, ये कोरोना काल चल रहा है, ये रैलियों में जाना, सभाओं में जाना ठीक नहीं रहेगा, चाहे वो किसी भी दल के समर्थक हो। पवन, जो नेता ये रैलियां कर रहे हैं, संबोधन दे रहे हैं, वही नेता इस बात का नारा दे रहे हैं कि नो मास्क नो एंट्री, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ भाड़ में ना जाएं, और यही नेता जब अपने संबोधन को सुनने के लिए हजारों की तादाद में लोगों को बुला लेते हैं तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है अपने आप में। बिल्कुल बिल्कुल, ये एकदम दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है हमारे देश के नेता जो खुद कहते हैं 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, लेकिन जब उनकी खुद की बारी आती है तो ये सब चीजें वो भूल जाते हैं और सिर्फ उनके दिमाग में चुनाव का माहौल रहता है। जी पवन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे A1 संवाददाता पवन, फोन लाइन पर जुड़े हुए थे हमारे साथ इस खबर पर अपडेट के लिए, जिन्होंने विस्तार से बताया कि किस तरीके से जनता की जान को ताक पे रखकर इस खतरे के बीच में ये प्रचार होने जा रहा है। और अब बात की जाए मतदान की, तो हो सकता है बचे हुए मतदानों को एक साथ कराया जाए।